Hey guys, welcome to DP. मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव और Motorola H50 Fusion जो है ये स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रख चुका है, इंडिया में भी आ चुका है। इसका प्राइस जो है वो लीक हो रखा है, इसका बेस वेरिएंट का प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो एक्चुअली में इसका लॉन्च से पहले था और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैंने बात किया था और वो सारे शत प्रतिशत मैच करता है। पर इस वीडियो का मोटिव जो है कि Motorola H50 Fusion जो है उसे आपको क्यों लेना चाहिए, ऐसा कुछ यूनिक कुछ रेयर स्पेसिफिकेशंस जो है वो Motorola H50 Fusion में देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में इस बजट में इस फोन को थोड़ा रेयर बना देता है। और ये फोन एक्चुअली में मतलब ये सारे यूनिक स्पेसिफिकेशंस और स्पेशल स्पेसिफिकेशंस के बदौलत, फीचर्स के बदौलत, ये फोन एक सीरियस ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन होता है 20 से लेकर 30 हज़ार के अंदर। मैं एक्चुअली में 20 से लेकर 30 हज़ार के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2300 अराउंड इसका जो है मतलब मेन प्राइस है और यहाँ पे जो है 20,000 मतलब 21,000 अराउंड इसका जो है इफेक्टिव प्राइस देखने को मिलता है। ये जो बजट है ये एक्चुअली में काफी ज्यादा एग्रेसिव बजट है भाई किसी भी इस तरह के स्मार्टफोन के वजह से। तो यहाँ पे मैं कुछ कुल 8 पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, कुछ कम ही स्मार्टफोन ब्रांड से ऐसा कुछ जो प्रॉमिस करता है। और कुछ चीजों को तो मतलब पहले ही बोल दूंगा, वो सीखना चाहिए अदर ब्रांड्स को, भाई ये सब करो तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 को लेकर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है यहाँ पे इसका जो पैकेजिंग आता है, इसका जो बॉक्स आता है, बाकी कंटेंट जो आता है ये सारे रिसाइकल्ड मटेरियल से बना होता है। जो अनबॉक्सिंग में हम लोग देख रहे हैं, वेबसाइट में जो पढ़ रहे हैं कि इसका सारे बॉक्स जो है यहाँ पे हमें प्लास्टिक फ्री देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसका जो कवर आता है हार्ड केस कवर, ये भी आप लोगों को रिसाइकल्ड मटेरियल से देखने को मिलता है। तो ये एज ए ह्यूमन बींग भाई हमें अच्छा लगता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे भी है जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा माइनर 1% भी हो भाई मतलब एनवायरनमेंट की तरफ नज़र डाल रहा है। और यहाँ से भाई कुछ ब्रांड्स जो है जैसे कि एप्पल हो गया, और एप्पल को फॉलो करके जो लोग मतलब फालतू मार्केटिंग करते हैं, फालतू ऐसे लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम चार्जर नहीं दे रहे, इससे एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, तो इस चीज़ को मतलब ऐसा फेक दिखावा नहीं कर। तो भाई मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा एप्पल को बेशर्मो कुछ सीखो। आते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 भाई यहाँ पे इस बजट में ना इंटरेस्टिंग कलर्स, इंटरेस्टिंग बिल्ड क्वालिटी दिया जा रहा है। इसके बैक में ना ग्लास है ना प्लास्टिक है, इसके बैक में है वीगन लेदर या फिर इको लेदर जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो मतलब डिजाइन है ये काफी बढ़िया होता है। यहाँ कई सारे ब्रांड्स जो है ये दे रहा है हाल फिलहाल में, पर यहाँ पे ये जो है पैंटोन के साथ जो इसका कलर मर्ज होकर आता है, हॉट पिंक ऐसा कुछ कलर का नाम है, कुछ व्हाइट सा कलर है, तो ये सारे जो कलर्स है ये काफी एलिगेंट दिखता है। और यहाँ पे जो वीगन लेदर है इसका जो मतलब बिल्ड क्वालिटी, ये सारा चीज मेरे को काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आया। तो ये मेरे पर्सनल हिसाब के मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीजें काफी बढ़िया दे रखा है Motorola ने। आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, नंबर 3। इस बजट में गाइस ये चीज कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स करता है और जो लोग करता है सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और कोई चीप क्वालिटी का डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पे नहीं है, ट्यून्ड बाय डॉल्बी एटमोस है। तो मतलब इसका जो मतलब हेडफोन में जो ऑडियो आउटपुट आएगा या फिर जो इसका जो मतलब नेटिव स्पीकर है वहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाला है। Motorola का 2-4 डिवाइस मेरे पास भी है एंड जहाँ जहाँ पे भाई डॉल्बी का ट्यून्ड है भाई कमाल का ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी का एक और पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। बिल्ड क्वालिटी, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी नहीं, यहाँ पे स्लिम फॉर्म फैक्टर देखने को मिलता है, थोड़ा कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, 5000 mAh का बैटरी भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऊपर से IP68 भी देखने को मिलता है। तो दोस्त यहाँ पे कुल मिला के ना मतलब एक स्मार्टफोन को थोड़ा एलिगेंट दिखाने के लिए, थोड़ा सेक्सी सा दिखाने के लिए जितना भी चीज़ चाहिए होता है ना सब कुछ को ठूस ठूस के डाला गया है। तो ये काफ़ी बढ़िया इंप्रेसिव पॉइंट है गाइस अकॉर्डिंग बाय मी। आपको क्या लगता है आप कमेंट में डेफिनेटली बोलो, क्योंकि भाई कुछ ब्रांड्स तो है ऐसे 50,000 के रेंज में भी ना IP68 नहीं देते, आप अंडर वाटर वीडियोग्राफी नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं भाई, यहाँ पे OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है इस बजट में, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एंड ओनली OLED डिस्प्ले, मतलब OLED डिस्प्ले, प्लास्टिक OLED डिस्प्ले प्रोवाइड करता है ओनली Motorola। ऊपर से यहाँ पे एक और चीज जो है इस बजट में दिया जाता है 165Hz जो है वो ROG में रहता है, यहाँ पे थोड़ा कम रहता है 144Hz इस बजट में, 120Hz से ऊपर मिलता है। और इस बार Motorola का ऑप्टिमाइजेशन और भी बढ़िया हो गया है भाई, थर्ड पार्टी एप्स में भी बूस्टेड FPS देखने को मिलता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। ऊपर से यहाँ पे HDR10+ का जो है सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है और कर्व डिस्प्ले तो है ही और डुअल स्टीरियो स्पीकर ट्यून में Dolby Atmos है। तो दोनों में आपको यहाँ पे कुल मिला के बोल सकते हैं कि भाई जो मतलब मल्टीमीडिया कंजम्पशन होगा Netflix एंड चिल गाइस जो भी है बहुत बढ़िया होने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा सेक्सी होने वाला है। अगर बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता, एंड्रॉइड 14 ऑब्वियसली अभी के टाइम को मैच करते हुए देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, पर यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है।
इसका जो है मतलब चॉप चॉप करने पे जो फ्लैश चलता है, ट्विस्ट करने पे कैमरा आता है, और यहाँ पे अलग अलग कस्टमाइज है ऐप का, बहुत सारी चीज आप लोग चेंज कर पाओगे मोटोरोला में। मतलब एकदम बोल सकते हैं कि भाई गूगल पिक्सल का थोड़ा सा टियर डाउन साइड है, पर एकदम प्रॉपर गूगल पिक्सल का फील आता है सस्ते में गाइस। और हाँ गाइस, यहाँ पे मोटो कनेक्ट या फिर मोटो का जो सिक्योरिटी आता है ना, ये सब कुछ भी देखने को मिलता है। और एक पॉइंट जो है, आप लोग अगर स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा गाइस, यहाँ पे जो है वेलकम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे जो 40 FPS का गेमिंग हो या फिर 60 FPS का गेमिंग हो, जो भी ऑप्टिमाइज़ के हिसाब से चलेगा वो बहुत ही बढ़िया चलेगा, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का परफॉर्मेंस जो होता है वो सभी को पता है भाई, बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है। मीडियाटेक अच्छा है पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग बाय मी। और जो लोग बोल रहे हो कि भाई परफॉर्मेंस का तो हो गया, कैमरा का क्या, इतने साल तक अभी तक मोटोरोला जो है अपने प्राइमरी सेंसर प्रीमियम लाइनअप में भी ओमनीविजन का यूज़ कर रखा है भाई। 200 मेगापिक्सल का किया था वो सैमसंग का था, पर यहाँ पे इस बार मोटोरोला जो है सोनी का लीटिया 700C अराउंड कुछ ऐसा प्रोसेस मतलब सेंसर का नाम है, सोनी का सेंसर यूज़ कर रहा है। ऊपर से इसका जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन का है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्लियर होने वाला है। परफॉर्मेंस बढ़िया है, मल्टीमीडिया आउटपुट बढ़िया है, बैटरी बढ़िया है, और यहाँ पे जो है साउंड आउटपुट भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है इस स्मार्टफोन में। तो गाइस वीडियो के एंडिंग में ये कंक्लूजन में हम लोग आ सकते हैं कि मोटोरोला का ये वाला जो स्मार्टफोन है मोटोरोला H50 फ्यूजन, इसे हम लोग आग बंद करके ले सकते हैं 20 से लेकर 23,000 के बजट में। और अगर दोस्त आप मेरे से एग्री करते हो तो कमेंट में डेफिनेटली बोलो आप ये वाला स्मार्टफोन प्रेफर करते हो या फिर नथिंग आता है Nothing 128, या फिर कौन सा वाला स्मार्टफोन प्रेफर करते हो 20 से लेकर 23,000 के बजट में। और अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, डेफिनेटली कमेंट में डिस्कशन करेंगे गाइज, आओ कमेंट में वार्तालाप करते। तो दोस्त आज की वीडियो यही तक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिए। खैर धन्यवाद।